एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान है तो दूसरी ओर यमुनोत्री में यमुना नदी के आसपास गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का पलीता लगाया जा रहा है। यमुनोत्री मंदिर के समीप यमुना नदी में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यमुनोत्री धाम में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु आते हैं और स्नान करके कपड़े नदी में ही फेंक देते हैं। यही नहीं, अपना खराब सामान प्लास्टिक की बोतलें तक वहीं फेंक देते हैं, जिससे माँ यमुना उद्गम में ही मैली हो रही है। जबकि भारत सरकार स्वच्छता के नाम पर अनेक अभियान चला रही है, लेकिन स्वच्छता अभियान सिर्फ फोटो सेशन तक ही सीमित रह जाता है। यमुना नदी की गंदगी पर जिला प्रशासन भी हाथ पर हाथ रखे बैठा है। इस संबंध में जब हमने मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल से पूछा तो उनका कहना है कि यहाँ पहले गंदगी का अंबार लगा हुआ था, बीच में हमने स्वच्छता अभियान चलाया, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। लगा हुआ था बीच में, जब डीएम साहब से बात हुई तब उसके बाद ही ये स्वच्छता अभियान चलाया गया और बीच में इन्होंने कुछ यहाँ से कूड़ा जो भी पड़ी हुई थी साड़ियाँ वगैरह वो उठाई। मैं आने वाले श्रद्धालुओं से भी निवेदन करूंगा कि माँ यमुना जी की जो अविरल धारा है, माँ यमुना जी की जो निर्मल धारा है, इसमें किसी भी तरह का कूड़ा करकट या किसी भी तरह की साड़ी आदि ना डालें, क्योंकि ये पवित्र धारा है। अगर आपको साड़ी वगैरह भेंट करनी हो, माँ यमुना जी को चढ़ानी हो, तो मंदिर है माँ यमुना जी का, दिव्यशिला है, मुखारविंद है, उस पर आप किसी पंडित जी को दो, नहीं देना चाहते पंडित जी को किसी गरीब को दे दो, लेकिन धारा को अपवित्र मत करो। बोर्ड लगाने चाहिए, हाई जूते निकालने हैं, यहाँ पे कपड़े रखते हैं, लोग कपड़े फेंक देते हैं पानी में, सब गंदा हो रहा है, सब इधर उधर फैला के रखा है। स्वच्छता के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।